हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आप बहुत सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड मत कीजिएगा, पूरा देखिए इस वीडियो को, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ दिखे। हाँ, बॉडमास वाला सेक्शन का मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि चिन्हों पर आपस में जो संक्रिया होती है उसका चिन्ह पर क्या परिवर्तन पड़ता है। मतलब जो संख्याओं में जो चिन्ह लगा होता है, जैसे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उस पर संख्याओं पर क्या असर पड़ता है, क्या उसके चिन्ह परिवर्तन होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको लेसन 2 है ये बॉडमास का, BODMAS, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्वलंत टॉपिक है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक, B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, ठीक है, D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लाई, और A से होता है एडिशन, और S से होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में जैसे मैं बताया, ठीक है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पहले किस तरह से पूछा जाएगा उसको हम देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, गणित सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना होता है वो ब्रैकेट को ही हटाना होता है। जो भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो होता है ब्रैकेट को हटाना होता है, ब्रैकेट को हल करना होता है। जैसे मैं एक सवाल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे तो यहाँ से सबसे शुरू सॉल्व करेंगे ना तो ब्रैकेट को हटाएंगे, सबसे शुरू इसको हल करेंगे। हटाना मतलब इस ब्रैकेट को हल करना, सबसे शुरू इसी को हल करना। अब देखिए, तो इस तरह में ब्रैकेट आपका तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट, इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और एक चीज़ होता है बार, अगर किसी भी क्वेश्चन में बार लगा है, ठीक है, बार जहाँ पे लगा है थोड़ा लंबा ऐसे लगा रहता है इस टाइप का, जैसे कि ऐसे रहेगा, जैसे कि 4 + 3 ऐसे का अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम बार को हल करेंगे, उसके बाद नंबर एक में ये आएगा, ठीक है, इसको हल करेंगे, उसके बाद नंबर दो में स्मॉल ब्रैकेट है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे नंबर दो में, नंबर तीन में आपका कर्ली ब्रैकेट वाला, नंबर फोर में स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर जो बार वाला जो सवाल है ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए हमको इसको बॉडमास ऐसे ही सिक्वेंस में रखा जाता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब होता है का और इसका मतलब होता है गुड़ा, इसी तरह DMAS, ठीक है। तो इस तरह इसको सीक्वेंस में सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, समझ में आ गया। अगर लेकिन सबसे बार दिया है तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ में आता है, ऑफ मतलब गुड़ा होता है, अभी समझ जाएंगे इसका किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, मैं ये बताऊँगा अभी आपको। डिवीजन, डिवीजन उसके बाद भाग को, भाग जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। अब यहाँ एक सवाल दिया है, तो इस बड़ा जटिल सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ छोटे सवाल को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक छोटे छोटे सवाल लिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 88 × 8 / 8, ठीक है, 88 × 8 / 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडमास में क्या आता है, अगर हम यहाँ लिख लें छोटा सा BODMAS, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ तो डिवाइड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डी है मतलब डिवीजन है, और यहाँ पर हमारे पास डी डिवीजन है, तो सीधी सी बात है जब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 मतलब 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, मतलब ये हो गया आपका 88 × 1, ठीक है, तो 88 × 1 करेंगे तो 88 आंसर आएगा, सिंपल। ये आपको मैं बेस को समझाने के लिए इतना आसान दिया हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अब जैसे का वाला आप पूछ रहे थे, तो का वाला में क्या होगा, का मतलब मैंने आपको क्या बताया, गुड़ा बताया, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर दो उसी फॉर्म में, 6 × 4 + 3, ठीक। अब यहाँ बॉडमास का रूप फॉलो करेंगे, BODMAS, ओके,
तो यहाँ पर बी तो है नहीं ब्रैकेट, ओ ऑफ वाला हम कर दिए, ऑफ का मतलब ये ऑफ का होता है, इसका मतलब गुड़ा, ठीक है, यही ऑफ है, ये का को ही ऑफ कहा जाता है, ठीक। तो ये हम कर दिए, का को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, ठीक है, छः गुड़े चार, बी ओ हो गया, डी डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा उसके बाद, तो छः चौंक चौबीस, चौबीस और उसके बाद प्लस तीन कर दें, चौबीस और तीन सत्ताईस, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बेस को आपको समझाने के लिए मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कठिन सवाल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, दो गुड़ी दो भागी चार ऋण दो, ठीक है, टू इंटू टू डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू, ओके। अब यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बदमाश में क्या आता है, डी आता है, बी ओ डी, तो डिवाइड करेंगे हम, किसको डिवाइड करेंगे, देखिए टू डिवाइडेड बाई फोर है, यहाँ एक टर्म दिया गया है टू डिवाइडेड बाई फोर, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा टू इंटू टू बाई फोर माइनस टू हो गया, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, है ना, टू वन जा टू और फोर वो टू टू जा फोर, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, तो बचा एक, तो वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, देन फाइनल आंसर इज माइनस वन। ये कैसे हुआ, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसको हाफ हो जाएगा, ये टू वन जा टू और टू टू जा फोर, तो एक बटा दो हो गया ये, ठीक, एक बटा दो है, जब यहाँ दो है और यहाँ भी दो है, तो दो दो कर दिया, बचा क्या, सब एक में कटा है, तो एक माइनस दो हो गया और बच गया माइनस वन। अब उस सवाल को सॉल्व करते हैं जो हमने शुरू में लिए था, ठीक। अब यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस फाइव प्लस टू है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री हो जाएगा, क्यों होगा, अगर ये नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, कि अगर जहाँ प्लस और माइनस संक्रिया होता है और बड़ा में अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो चिन्ह लगेगा वही और घट जाएगा, तो पाँच में से दो गया तो तीन बचा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा वाला का, तो हो गया। अब इस इधर क्या है, अभी प्लस है, ठीक है, अब प्लस और ये माइनस, जब यहाँ तो माइनस थ्री हो गया ना इसके जगह में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ऐसे, तो जब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट को निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, इस यहाँ से बता रहा हूँ मैं, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, और इधर प्लस टू माइनस थ्री इंटू फोर डिवाइडेड बाई फोर, ये आपका सवाल हो गया जब हम इस ब्रैकेट को ओपन किए, हटाए उसको। अब ब्रैकेट हो गया बदमाश में, बी ओ डी एम ए एस, ठीक है, ब्रैकेट हट गया, का तो है नहीं, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो फोर से फोर डिवाइड कर दिए, तो क्या आएगा, फोर से फोर डिवाइड कर दिए तो वन आ गया, तो ये वन हो गया, इसके जगह में वन हो गया, उसके बाद डिवाइड भी हो गया, अपन का मल्टीप्लाई है तो वन थ्री जा थ्री हो गया, ये टोटल थ्री हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब एड करेंगे तो जो पॉजिटिव नंबर है उसको पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, तो ये हो गया प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री, ठीक, सॉरी प्लस थ्री, हाँ ठीक है, प्लस थ्री और प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स हो गया, और ये वाला जो माइनस वाला है, ये माइनस और ये माइनस बचा है, तो ये माइनस टू माइनस थ्री, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव हो जाएगा, तो बचा क्या, इसका आया वन, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एक बार पुनः समझा देता हूँ, माइनस फाइव और टू को सॉल्व किए तो माइनस थ्री आ गया, और इधर भी थ्री है तो थ्री को थ्री लिख दिए, प्लस प्लस डाल दिए, माइनस टू, और इधर मल्टीप्लाई में थ्री है और यहाँ फोर डिवाइडेड है फोर, फोर वन जा फोर, ठीक है, और वन थ्री जा थ्री, अब थ्री और थ्री सिक्स हो गया, और टू और ए माइनस थ्री, ठीक है, ये फाइव हो गया टू और माइनस थ्री, तो इस तरह से सिक्स माइनस फाइव करेंगे तो वन आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ा संख्या पहले प्लस चिन्ह लगा है, लेकिन इसको लिखते नहीं हैं, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत सारी जानकारी लिए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कठिन सवाल सॉल्व करेंगे।